हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने बेटर हाफ के साथ पेरिस जाना चाहते हैं। वैसे आप ही क्या भाई, सभी जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों पता है चाइना के लोगों को यहां क्या किसी भी यूरोपियन कंट्री को देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना ने सस्ती कॉपियां जो बनवा रखी है। जी हां, इसे देखिए भाई, ये असली आईफिल टावर नहीं है, बल्कि दोस्तों ये तो चाइना की सस्ती कॉपी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया सिटी, हॉलस्टर्ट सहित कई टाउन चाइना में बने हुए हैं जो यूरोप की कॉपी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे चाइना को आखिर खुद को यूरोप बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो चलिए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं, बशर्ते आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन एक तरफ तो यूरोप है जिसे विकास करने में 200 साल का समय लगा, वहीं दूसरी तरफ है चाइना जिसने यूरोप की सस्ती कॉपी सिर्फ 50 सालों में ही बनाकर तैयार कर दी। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चाइना की ये सस्ती कॉपी मतलब जगहें आज बिल्कुल वीरान, सुनसान और खाली पड़ी हुई है। ऐसा क्यों, जानेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं आखिर चाइना अपना खुद का यूरोप क्यों बनाना चाहता है। तो ये किस्सा शुरू होता है दोस्तों साल 2001 से। उन दिनों चाइना की आबादी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। आलम तो ये था कि चाइना के छोटे से छोटे शहर की आबादी भी 50% बढ़ गए, जिस वजह से भीड़ भाड़ और रहने खाने की समस्या ने जन्म लिया। चाइना की तो दो मेजर सिटीज के हाल बहुत ही खराब थे, क्योंकि डोंगवन और शेंजन जैसे शहरों में आबादी करीब 600% तक बढ़ गई थी। हम कह सकते हैं कि 2000 आते आते चाइना के लोगों ने सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने का काम किया। खैर, अब सरकार इस समस्या से निजात पाना चाहती थी, इसलिए चाइना के शंघाई प्लानिंग कमीशन ने चाइना की बढ़ती आबादी की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के सामने 1 City 9 Town का प्लान रखा। इस प्लान की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि चाइना ने इस प्लान में यूरोपियन सिटीज को पूरी तरह से कॉपी कर लिया, और जब ये सिटीज बनकर तैयार हुई तो आलम तो ये हो गया कि चाइना के इस प्रोजेक्ट को यूरोप की सस्ती कॉपी तक करार दे दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना को इन सभी शहरों का निर्माण काफी जल्दबाजी में करना पड़ा, जिसका एक कारण तो बढ़ती आबादी ही थी, वहीं दूसरा जो रीजन था वो था चाइना की अमीर आबादी। क्यों, चलिए आप ये भी समझते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर चाइनीज सरकार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है तो उसकी चांदी ही चांदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान जमीन नहीं खरीद सकता है, और अगर उसे ऐसा करना भी है तो उसे जमीन लीज पर लेनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें पहले से ही तय किया गया अमाउंट पे करना होता है, और फिर सरकार से 70 से 72 साल के लीज पर जमीन मिल जाती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाइना के लिए घी विद शक्कर जैसा साबित होता है। मतलब बॉस, हरियाली ही हरियाली। पर अफसोस है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आज अगर आप चाइना का दीदार करते हैं तो आपको बिल्डिंग्स और यूरोप की सस्ती कॉपियां नजर आएंगी, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। चाइना में अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स को देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग होने के साथ साथ काफी अट्रैक्टिव भी हुआ करती थी। लेकिन इन सभी बिल्डिंग्स में कॉमन बात है, और वो ये है कि इन सबको लगभग एक ही तरह से डिजाइन किया गया है, जिस वजह से हर शहर, हर नुक्कड़ चौराहे पर बनी बिल्डिंग्स लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं। अब यहाँ तक भी चाइना के लोग खुश थे, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए साल 1955 आते आते, क्योंकि दोस्तों इस समय तक चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाल ली थी। इन्होंने सत्ता में आते ही चाइना को पूरी तरह से बदलने का मन बनाया, और वहाँ के पुराने चाइनीज ट्रेडिशन और कल्चर को हटाकर पूरे चाइना में कम्युनिस्ट मॉडल को लागू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हर तरफ एक ही साइज, एक ही कलर, एक ही शेप और एक ही ब्लॉक्स वाले बिल्डिंग बनवा दी गई। यूं तो कोई भी चाइनीज इस हूबहू वाले मटेरियल में रहना नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने कम्युनिस्ट के इस मॉडल को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे चाइना के लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, माइंडसेट ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आज के टाइम में चाइना की आबादी का अच्छा खासा हिस्सा रिच और मिडिल क्लास में आता है, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो एक जैसे दिखने वाले घरों में रहे या इन एरियाज में घूमे। अब जब लोग ही इन्हें पसंद नहीं कर रहे तो सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार तो भाई इन्हीं से माल कमा रही है। इसलिए शंघाई प्लानिंग कमीशन को आगे लाया गया, जिसने 1 City 9 Town के तहत यूरोपियन जैसे सिटीज का निर्माण चाइना में शुरू कर दिया। लेकिन चाइना ने यूरोप की ही कॉपी क्यों की, चलिए आपकी इस आशंका को भी दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहला और आसान वाला जो जवाब है वो ये है कि चाइना की जो रिच पॉपुलेशन है उसे लग्जरियस लाइफ को फील करना था, क्योंकि लग्जरी के मामले में यूरोप का जवाब नहीं। दूसरा जो कारण है वो है वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी, मतलब वर्ल्ड वाइड टूरिज्म। असल में चाइना के नए शहरों का जो 2/3 हिस्सा है वो वेस्टर्न आर्किटेक्चर पर ही टिका हुआ है, यानी कि उसी की कॉपी से बनाया गया है, जिनके बनते ही चाइना मीडिया में ऐसे ही छा गया जैसे डांस करने के बाद लड़कियां छा जाती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि चाइना ने इन शहरों का निर्माण सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो यूरोप को बता सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो चाइना ने अपना खुद का दम दिखाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपियन कंट्रीज चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया के नाम से पुकारती थी, जैसे स्कूल में किसी कमजोर बच्चे को चिढ़ाते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन हैरी डेन हार्ड्रॉक के हिसाब से चाइना ने इन शहरों को बनवा कर सबको ये बता दिया है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि चाइना के इन शहरों में लोग सिर्फ रहने के लिए घर इन शहरों में नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि यहाँ घर खरीदना लोगों के लिए दोस्तों एक तरह से सक्सेस सिंबल बन गया है। लेकिन ये सब टिप्पणियों के बाद भी आखिर चाइना के पैसे क्यों डूब गए और क्यों ये सभी शहर वीरान पड़े हुए हैं, चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि चाइना ने इन शहरों को बनाने के लिए पूरे $100 बिलियन की बड़ी रकम खर्च की थी, जो कि डेवलपमेंट के हिसाब से चाइना का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन $100 बिलियन फूकने के बाद भी चाइनीज सरकार के हाथ कुछ भी नहीं आया। बोले
पहले तो ठेंगा भी नहीं, इसकी वजह है जल्दबाजी और गलत रणनीति। असल में चाइना में शहरों के निर्माण के पीछे की जो असली वजह है वो ये थी कि सरकार सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके खिलाफ कई तरह के प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिस वजह से सरकार को गद्दी हाथ से जाने का डर सता रहा था। इन प्रदर्शन की शुरुआत दोस्तों यूं तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इस दौर तक हवा का रुख बदल रहा था और लोग कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहे थे और एक लोकतांत्रिक देश की मांग कर रहे थे। वही इस मूवमेंट या प्रदर्शन के जो कर्ता धर्ता यानी मेन लीडर थे वो वे जिंगशेंग थे, जिन्होंने सरकार की पॉलिसीज की निंदा यानी कि खुलेआम बेइज्जती करते हुए कहा था कि हमें हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में चाहिए, हमें कोई डिटेक्टर नहीं चाहिए बल्कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। उनके इस बयान का नतीजा ये हुआ कि चाइना की सरकार ने इन्हें उठाकर जेल में पटक दिया और पूरे 15 साल तक चाइना की जेल में फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करने के बाद रिलीज किया गया। लेकिन जेल से रिलीज करने के साथ साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें देश से भी बाहर कर दिया। चलिए दोस्तों, इन्हें तो चाइना ने देश से बाहर फेंक दिया, लेकिन जनाब चाइना की जनता का सरकार क्या करे? इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी डेमोक्रेसी मूवमेंट दौड़ता रहता है। साल 2011 की ही बात कर लेते हैं, जब चाइना में स्टूडेंट डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट में चाइना के करीब 11 कॉलेजेस के छात्रों ने चाइनीज सरकार के तानाशाह के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोर शोर से प्रदर्शन किया। इसी मूवमेंट के जरिए प्रदर्शन कर रही महिला ने कहा कि जमीन के लिए लोगों को पीटा जा रहा है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन के लिए पिटाई, ये क्या बवाल है? तो दरअसल बात ऐसी है कि चाइना में ये बवाल भाई बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ की सरकार जमीन पर अपना हक रखती है और जब मन करता है तब किसी भी जमीन को उठाकर बड़े बड़े डेवलपर्स को सौंप देती है, फिर चाहे वो किसी गरीब की जमीन क्यों ना हो। ऐसा ही दोस्तों एक किस्सा साल 2005 में हुआ था। उस समय सरकार ने चाइना के डोंगशन विलेज के जमीनों को रातों रात डेवलपर के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन सुबह जब इस गांव के लोग उठे और उन्हें सरकार के इस कांड का पता चला तो उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बिल्कुल जायज भी था। हालांकि सरकार की नजरों में ये जायज नहीं था, इसलिए दोस्तों सरकार के इशारे पर चाइना की पुलिस ने गांव के लोगों के साथ बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया। उन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया, लाठी चार्ज और कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिस वजह से करीब 25 गांव वालों की तो मौत भी हो गई। वहीं जो दूसरे लोग थे जो अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें 7 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि चाइना क्यों ड्रैगन कहलाता है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि आखिरकार चाइना के शहर खाली क्यों पड़े हैं। खास बात तो ये है, इनमें से कई बिल्डिंग्स अब भूतिया बिल्डिंग्स की लिस्ट में शुमार हो गई हैं। आइए बात करते हैं मेन रीजंस की। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। इन सिटीज के वीरान रहने का जो सबसे पहला कारण है दोस्तों, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सरकार ने इन शहरों को ऐसे डेवलप किया है कि वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना ही भूल गई है। आलम तो ये है कि यहाँ जो भी रहता है या रहने आया था, उन्हें अगर बाहर जाना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास टैक्सी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि चाइना का जो रेल नेटवर्क है वो भी इन शहरों से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे में अगर किसी को ऑफिस जाना है या कहीं बाहर जाना है तो उसे 11 नंबर की गाड़ी ही पकड़नी पड़ेगी, मतलब भैया पैदल जाना पड़ेगा, और ये इस प्रोजेक्ट के फेल होने का सबसे मेजर रीजन है। नंबर 2, सेकंड होम। दोस्तों इन शहरों में जितनी भी बिल्डिंग्स या दूसरे काम किए गए वो बहुत ही खूबसूरती से किए गए, मतलब कि यूरोप की कॉपी से किए गए, जिस वजह से ये टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा बन गए और चाइना के रिच क्लास ने यहाँ पर अच्छी खासी रकम खर्च करके महंगे से महंगे दामों में ज्यादातर सेकंड होम या फिर वीकली होम्स लिए हुए हैं, जिस वजह से हुआ ये कि यहाँ प्रॉपर्टीज के दाम दोस्तों हद से ज्यादा ऊंचे हो गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ गरीब की पहुंच तो हुई नहीं और जो कोई अफोर्ड कर भी सकता था तो उसका भी पत्ता भी कट गया। नंबर 3, अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। दोस्तों एक महिला ने चाइना की यूरोपियन बेसिक सिटी में 7 लाख युआन में घर खरीदा। उसने 1.20 लाख युआन तो लोन या कर्जा लेकर पे कर दिए, जिसके बाद डेवलपर्स ने कहा था कि आपको ये घर 2019 तक बिल्कुल तैयार होकर मिल जाएगा। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब वादे के अनुसार डेवलपर्स ने घर तैयार ही नहीं किया, उल्टा वो कहीं गायब ही हो गए, जिस वजह से महिला इस घर में अब कुछ इस तरह से रहती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा मॉल जो इस यूरोपियन बेस्ड चाइना में बन रहा था, जिसका नाम न्यू साउथ चाइना मॉल था, आज बिल्कुल ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर कुत्ता भी नहीं भटकता। इस प्रोजेक्ट के तहत ही दोस्तों बनी थी कंकाशी सिटी, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया और यहाँ से चाइना की मुख्य भूमि पूरे 1808 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप खुद ही सोचिए ना, लोग यहाँ आखिर घर लेना क्यों चाहेंगे? मान लीजिए अगर रात को किसी को भूख लगी है और घर में कुछ भी नहीं हुआ तो बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी उसे रात के अंधेरे में ही पैदल पैदल भैया 1800 किलोमीटर का अपना सफर तय करना होगा, यानी कि जितने दिनों से लगेंगे सफर तय करने में इतने में तो टिकट कट जाना है। सोचिए अगर किसी की जॉब चाइना के मेन लैंड में होगी तो उसे रोजाना कितना चलना पड़ेगा, इज दिस पॉसिबल? टैक्सी का किराया कितना जाएगा, ये सोचिए। तो दोस्तों यही थे कुछ मेजर फैक्टर्स जिस वजह से चाइना की यूरोपियन बेस्ड सिटीज का सिक्का नहीं चल पाया और यह सिर्फ भूतिया बिल्डिंग सी बनकर रह गई है। लेकिन अब चीनी सरकार का कहना है कि अब ऐसी चीजें नहीं बनाई जाएंगी, यानी कि भाई चीन की अकल ठिकाने आ गई है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और आपका चाइना के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताना। माना कि भाई वो हर छोटी सी छोटी चीज को कॉपी करता है, लेकिन कॉपी करके क्या फायदा जब उसका रिजल्ट ऐसा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।